शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम बुलाते हैं जीनत एहसान को जोरदार तालियों के साथ। कविता आप लोगों के बीच में रखने जा रही हूँ, सांस एक्सचेंज ऑफर। सांस एक्सचेंज ऑफर, ये कमाल की बात है भाई। हाँ, लोग कपड़े करते हैं, जूते करते हैं, मैंने कहा सांस ही कर दो। बहुत अच्छे। कमाल ये भी है कि पहली बार आपके बीच में कविता पढ़ रही हूँ, बिल्कुल नई नई कविता है, तो चाहूंगी आप लोग का प्यार आशीर्वाद मिले। सुना कि शहर में लगा था जबरदस्त मेला, शहर में लगा था जबरदस्त मेला, मेले में था एक ठेला और ठेले पे खड़े थे एक गुरु और एक चेला। दोनों जोर जोर से आवाज लगा रहे थे कि आइए बहन जी आइए, आइए मैडम जी आइए, आइए आपा जी आइए, अपनी पुरानी सास लाइए और नई सास ले। आइए बहन जी आइए, आइए मैडम जी आइए, आइए आपा जी आइए, अपनी पुरानी सास लाइए और नई सास ले जाइए। आपकी सास डेंजर हो या खूंखार, दिखने में हो शशिकला या ललिता पवार। आपकी सास डेंजर हो या खूंखार, दिखने में हो शशिकला या ललिता पवार, बेलन चिमटे से खेले क्रिकेट, बेलन चिमटे से खेले, बूढ़ी हो या की सर्किट, झाड़ू मारे या लात, दांत दिखाया हाथ, खतरनाक से खतरनाक सास को यहाँ पर लेकर आइए और बदले में सुंदर सस्ती टिकाऊ सास। सुंदर सस्ती टिकाऊ सास ले जाइए, बदले में सुंदर सस्ती टिकाऊ सास ले जाइए, तो आम के आम और गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम, और सास एक्सचेंज ऑफर बना दे आपका बिगड़ा हुआ काम। और बहन जी भीड़ में जेब कतरों से पर्स को बचाना, बहन जी भीड़ में जेब कतरों से पर्स को बचाना और उन्हीं पैसों से नई मजबूत टिकाऊ सास ले जाना। तभी एक महिला बीच में से बोली कि भाई साहब जरा अपनी दुकान का शटर तो उठाइए और कौन कौन सी सासें हमें भी तो बताइए। तो चेला बोला, बहन जी जो आप देख रही हैं जिस महिला के हाथ में रखा है केक, वो है सासू नंबर एक। इसका केक खाते ही आपके मुंह से निकल जाएगी हाय, और ये दिखने में बिल्कुल ऐश्वर्या राय। हाय हाय। और फोर व्हीलर पे जो महिला आपको बैठी दिख रही है वो है सासू नंबर दो। गजब का है इसका थोबड़ा और ऐसी लगती है जैसे प्रियंका चोपड़ा। और तीसरी सास की बात तो एकदम निराली है, ये आपके घर के लिए है एकदम सेफ और दिखने में कैटरीना कैफ। तो एक दूसरी महिला बोली, भाई साहब आपने सासों का परिचय तो करा दिया, अब उनकी खूबियां भी तो बताइए। तो चेला बोला, बहन जी ये सासें आपके साथ बड़े प्यार से पेश आएंगी, बहन जी ये सासें आपके साथ बड़े प्यार से पेश आएंगी और घर में झाड़ू पोछा अपने हाथों से लगाएंगी, आपकी जरा सी डांट से थर थर कांपेंगी और रोज रात को आपके हाथ पैर दाबेंगी, सुबह आपके बच्चों को गार्डन में घुमाने ले जाएंगी और रात में लोरी गागा के सुलाएंगी। भाई साहब सास एक्सचेंज ऑफर मेला गजब ढा रहा था, सास एक्सचेंज ऑफर मेला गजब ढा रहा था और मां समान बूढ़ी सासों का खुलेआम मजाक बनाया जा रहा था, खुलेआम मजाक बनाया जा रहा था। ये मंजर मुझे बिल्कुल नहीं भाया, मुझे बहुत जोर के गुस्सा आया। मैं आगे बढ़ी और गुस्से से गुरु और चेले से बोली, हटा अपनी दुकान यहाँ से आगे बढ़ा, हटा अपनी दुकान यहाँ से आगे बढ़ा और सस्ते टीवी सीरियल्स की तरह बूढ़ी माँ समान सास का मजाक मत उड़ा। वाह वाह वाह। सस्ते टीवी सीरियल की तरह माँ समान बूढ़ी सास का मजाक मत उड़ा, मैं बताती तुझे सास क्या होती है। देखिएगा पंक्तियों पे मेहनत की हूं कि सास क्या होती है। सास है तो घर में बहार है,
सास ममता का अवतार है, सास कुल की रानी है, सास है तो बच्चों के लिए कहानी है, और सास एक खूबसूरत समा है, और ये मत भूल कि सास भी किसी की माँ है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जीनत। ये मत भूल कि सास भी किसी की माँ है, और दुनिया की सभी सासों की लंबी उम्र की करते हैं हम मन्नत, दुनिया की सभी सासों की लंबी उम्र की करते हैं हम मन्नत, और माँ हो या सास दोनों के कदमों में है जन्नत। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गोपालगंज बिहार के सानिया राय। मित्रों अब जमाना बदल गया है, पहले तस्वीरें जाया करती थी शादी के लिए, अब शादी में आधार कार्ड भी जाता है डॉक्यूमेंट्स के साथ। मेरा भी भेज दिया मेरे पापा ने। अब सुनिएगा उसके बाद क्या हुआ। कि था मन बेचैन प्यार की तस्वीर देख कर, था मन बेचैन प्यार की तस्वीर देख कर, घायल हुआ इनकार की तस्वीर देख कर, चिंतन किया घंटों तलक तो आया फिर समझ, भागा है वो आधार की तस्वीर देख कर, में बहुत दूर से आई हूँ मैं बिहार से, और मेरी ट्रेन क्या बताएं, सारा प्लान चौपट हो गया। चार पंक्तियां बताती हूँ कि क्या हुआ। कि बस थोड़ा सा पहले ही मैं सनसेट से पहुंची, बस थोड़ा सा पहले ही मैं सनसेट से पहुंची, पापा थे सामने सो पिछले गेट से पहुंची, तय था मिलन हमारा बंबई के बीच पर ट्रेन साढ़े आठ घंटे लेट से पहुंची, पर ट्रेन साढ़े आठ घंटे लेट से पहुंची। चार पंक्तियां और सुनाइएगा। कि समझा था जिसे बुद्ध वो बुद्धू बना गया, पीड़ा से कनेक्ट कीजिएगा। समझा था जिसे बुद्ध वो बुद्धू बना गया, मेरी हंसी को आंख का आंसू बना गया, इस फरवरी में भागा मेरी दोस्त को लेकर, कह कर के बाबू मुझको वो मामू बना गया, कह कर के बाबू मुझको वो अच्छा सर, पिछले जमाने में लोग अपनी माशुका को डार्लिंग कहते थे, प्रेयसी, प्रेमिका, आज एक नया वर्ड चला है, पापा की परी। लड़कियों की तरफ से चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ मैं यहाँ पे उपस्थित सारी लड़कियों की तरफ से, कि आया था मुड़ मुड़ गई तो क्या नाराजगी, आया था मुड़ मुड़ गई तो क्या नाराजगी, जुड़ गई तो क्या नाराजगी, लाइन कहीं पे जुड़ गई तो क्या नाराजगी, कहता था अपनी एक्स को वो पापा की परी, पापा की परी उड़ गई तो क्या नाराजगी, पापा की परी उड़ गई तो क्या नाराजगी। अच्छा देखिए, पापा की परियां उड़ नहीं रही आजकल, उड़ा रही है। अच्छा लेकिन लड़के जितने भी बुरे हो सर, लेकिन बुरे का बेचारे बुरे है ही नहीं है तो। ये तो लड़कियां बताएंगी, एक ही है गोपालगंज। बाकी बुरे ना है ये लड़के, जितने भी बुरे हो, लड़कों का दिल बहुत बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है लड़कों का दिल। उस चार पंक्तियां और निवेदित करती हूँ सुंदर सुंदर लड़कियों की तरफ से,
चार पंक्तियां कि ये दिल नहीं है देश है कितना बड़ा है दिल एक प्रतिभा को कुछ दिनों पहले हमने ढूंढा था गाजियाबाद से, जो इस मंच पे आई और उसने पढ़ा और अपने खास अंदाज की वजह से वो सब जगह पहचानी जाने लगी, जानी जाने लगी। तो हमें लगा कि 300 एपिसोड में उन लोगों की उपस्थिति जरूर होनी चाहिए जिन्होंने एक अलग मकाम अपना इस शो से बनाया। उन्हीं में से एक होती है शिखा दीप्ति। जोरदार ताली के साथ चिमारो टीवी और वाह भाई वाह के सभी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके 300 एपिसोड पूरे हो गए हैं और सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार शायद शब्द कम होंगे कि कवियों को मंच से उठाकर टेलीविजन तक पहुंचाने का काम आपने किया है और लाखों करोड़ों श्रोताओं के दिलों तक पहुंचाने का काम आपने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेम लिखती हूँ, श्रृंगार लिखती हूँ और कुछ समय से एक बीमारी मुझे बड़ा परेशान कर रही है और उसको मैंने गीत में पिरोने की कोशिश की है। आप बताइएगा कि ये कौन सी बीमारी है। हमारी सुबह चहक रही है, हमारी सुबह चहक रही है, जरा बता दो ये प्यार है क्या। हमारी सुबह चहक रही है, जरा बता दो ये प्यार है क्या। किया होगा उन्हीं को सोचा, उन्हीं को चाहा, उन्हीं को सोचा, उन्हीं को चाहा, उन्हीं को मांगा, उन्हीं को गाया, खुमार उनका, खुमार उनका है ऐसा छाया कि तो ये ऐसे ही खतरे की बीमारी है। कुमार उनका है ऐसा छाया कि पार सा के भी पार पाया। हमारी सांसें दहक रही है, हमारी सांसें दहक रही है, जरा दिखाने गई तो जैसी अतरंगी बीमारी थी वैसे ही उन्होंने इसका इलाज बताया। अच्छा। और सर वो इलाज सुनिएगा। हुरा
तालियों के साथ दोस्तों, मैं जिस कविता को सुनाने जा रही हूं उसका शीर्षक है स्वयंवर में कविता। है? स्वयंवर में कवि? स्वयंवर में कविता। हाँ तो ठीक है, वो दोनों एकदम खुश हो गए। स्वयंवर में कविता। शैलेश जी सुनिएगा कि जब एक कवित्री ने रखा अपने शादी के लिए अपना स्वयंवर, तो पहुंच गए कई कवि बनने उसमें उनका वर। अच्छा। कवित्री ने कहा कि जिसकी कविता होगी सबसे सुंदर सबसे आला, उसी को मैं पहनाऊंगी यह वरमाला। हाँ। सबसे पहले वीर रस के कवि मंच पर पहुंच गए, क्योंकि उनको ज्यादा कंट्रोल होता नहीं होता, तो बड़े जोशीले पहुंच गए। उन्होंने क्या कहा सुनिएगा कि चांद तारे तोड़ तेरी ओढ़नी में जड़ दूंगा, अपने लहू से तेरी मांग मैं तो भर दूंगा। लहू से? वाह। चांद तारे तोड़ तेरी ओढ़नी में जड़ दूंगा, अपने लहू से तेरी मांग मैं तो भर दूंगा। हीरे जवाहरात मूंगा मोती क्या चीज है, अरे हीरे जवाहरात मूंगा मोती क्या चीज है, कि मैं तो तेरे चरणों में चाइना को धर दूंगा। योगी कवि की बारी थी, उसने सोचा कि अरे ये तो चाइना में चरणों को धरने चलाया, मैं इससे अच्छा क्या सुनाऊं, तो उन्होंने कहा मैं इससे भी बेहतर सुनाता हूं, सुनिएगा। कि तुझे राधा भी समझूंगा, तुझे सीता भी समझूंगा, हृदय में धर लूंगा पावन प्रिय गीता भी समझूंगा, तुझे सीता भी समझूंगा, हृदय में धर लूंगा पावन प्रिय गीता भी समझूंगा, भुला दूंगा पुरानी सब मोहब्बत मैं तेरे आगे, तुझे शोभा तुझे मीना तुझे रीता भी समझूंगा, तुझे दिल टूट गया होता है। जी जी जी। अब आया श्रृंगार के कवि जो नक्षिक वर्णन करते हैं, उन्होंने कहा मैं कवित्री को ऐसा कुछ सुनाऊं कि वो मचल के और मेरे गले में आके वरमाला पहना दे। तो क्या वर्णन किया सुनिएगा। कि मंद मंद मुस्काती मंदाकिनी, हाय हाय, दियामिनी दामिनी प्रिया सुने ना, हाय हाय, कि मंद मंद मुस्काती मंदाकिनी यामिनी दामिनी प्रिया सुने ना, जब से दृष्टिगत तेरी हृदय विकल को ना आया चैना, सागर से तेरे द्रिगो में डूबा भूल गया मैं पार उतरना, सागर से तेरे द्रिगो में डूबा भूल गया मैं पार उतरना, ब्रह्म स्वरूपा है कामिनी रूपा है वंदन करूंगा चरण दीन रे, सुनके कवित्री बहुत खुश हुई आनंदित हुई कि अरे मेरे चरण वंदना करेंगे ये तो सबसे अच्छी बात है। बारी आई भक्ति रस के कवि की, बोले चरण वंदना पे आ गए चाटुकारिता की हद हो गई, अब मैं इससे भी बढ़िया सुनाऊंगा। बोले सुनिएगा कवित्री जी आदरणीय, अगर आप मेरी पत्नी बनती है तो मैं क्या करूंगा। बोले क्या करेंगे बताइए। कि जय 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 पत्नी महारानी, वो
खुश हुई कि अब इससे बेहतर क्या चाहिए। ईश्वरीय आभा प्रदान कर रहे मैं भक्ति रस के कवि के गले में ये वरमाला डालती हूँ। वो जैसे ही आगे बढ़ी हास्य रस के कवि सीधे मंच पर कूद गए, कहने लगे कि अरे हम हास्य रस के कवियों को कोई गंभीरता से लेता क्यों नहीं है, हमारी भी इच्छाएं, हमारा भी मन है, हमें भी सुना जाए। कवि ने कहा अच्छा अच्छा आप भी अपनी बात कहें तो सुनिए कि क्या कहा, ऐसा कि पूरा पाशा पलट गया। अब आप सुने, हास्य रस के कवि ने कहा, पत्नी बनोगी दो जहान लिख दूंगा के पत्नी बनोगी दो जहान लिख दूंगा, कविताई वाली ये दुकान लिख दूंगा, कोई गीत लिखे कोई छंद लिखेगा मगर, कोई गीत लिखे कोई छंद लिखेगा मगर, मैं तो पूरा पत्नी पुराण लिख दूंगा, मैं तो पूरा पत्नी पुराण लिख दूंगा, मैं तो पूरा पत्नी पुराण लिख दूंगा। और कवित्री ने अपना वरमाला हास्य रस कवि को पहनाया, क्योंकि मेरे मरने के बाद भी मेरे पति मुझे जीवित रखेंगे। और इसी तरह से यह स्वयंवर में कविता का समापन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया दीदी, बहुत अच्छा।